डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत से आएंगे, आज हमारा जलसा हो गया, आज हमारा भाषण हो गया, तो हमारे यहां जाने के बाद कल से ये जो कौम और मिल्लत के दलाल हैं, जिसको दल्ले कहते हैं, आएंगे यहां पर। वो आकर बोलेंगे कि ओवैसी जज्बाती बात करता है, ओवैसी की बात पे नहीं आना, एक होकर वोट दो ना। अरे एक होकर ही तो वोट दिए थे ना सपा को। यहां का एमपी कौन सी पार्टी का है? कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का है ना। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप तमाम से भी जो वहां और यहां खड़े हैं, ये पुलिस ने दीवार खड़ा कर दी, इंशाअल्लाह उतारा जब विधानसभा का चुनाव होगा तो मैदान में जलसा होगा और लाखों लोग होंगे इंशाअल्लाह उतारा। अच्छा आप बताइए कि आपने बीजेपी को वोट दिया है पार्लियामेंट के इलेक्शन में? दिया आपने? आपने नहीं दिया? अरे शर्माओ नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। दिया आपने? अरे ऐसा ऐसा तो करो करो। फिर कैसे जीता, कैसे जीता बताइए ना। कि हमने आपको आकर कहा था कि हमारे अजिन्नाथ आकर आपको कहे थे, तो मालूम हुआ कि जो सपा का वोटर है वो बीजेपी के मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा था। आपका वोट आपने तो दिया बीजेपी को रोकने के लिए, मगर बीजेपी कैसे जीत जाती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है जिस पर आपको गौर करना है। लोग बहुत से आएंगे और आकर कहेंगे कि सदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, नौजवान उसकी तकरीर से खुश हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं, ना कभी आऊंगा। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ने के लिए हरगिज नहीं आया हूं। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं यहां पर उत्तर प्रदेश में इसलिए आया था, आया हूं, और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक कि मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है, यह है कि उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत के हर उस मुकाम पर जहां पर मुसलमान बसता है, वहां पर उनके एक सियासी लीडरशिप को बनाएंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। यह हमको करना है। आप नेता बन सकते हो और आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको सिर्फ एतमाद की जरूरत है। अपने हौसलों को बढ़ा के रखिए, अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करिए, अल्लाह पर भरोसा करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।